बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से ग्रामीण गुरु के इस चैनल में। मैं आपका होस्ट गणेश झा आज आपके सामने एक नया प्रसंग, एक नया विषय लेकर आया हूं और ये विषय आज के लिए बहुत प्रासंगिक है और अति आवश्यक है हम सब लोगों को समझना, क्योंकि ये हमारे नए जनरेशन को छत विछत कर रहा है, हमारे नए जनरेशन को डीरेल कर रहा है, पटरी से बिल्कुल अलग कर रहा है, अनुशासनहीन बना रहा है, स्वास्थ्यहीन बना रहा है। तो आज हमें जरूरत है इन सब पहलुओं पर, इन सब बिंदुओं पर बेहतर ध्यान देने की और बच्चों को समझाने की, खासकर तब जब हम खुद समझेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं डीजे। आप इस डीजे से वाकिफ होंगे क्योंकि छोटी उत्सव हो, छोटा समारोह हो या बड़ा समारोह हो, शादी हो या किसी प्रकार की खुशी हो, घर में डीजे बजना आवश्यक है। इसके बगैर कोई काम शुद्ध नहीं होगा। पहले हवन करना आवश्यक था, पहले पूजा पाठ करना आवश्यक था, आज डीजे बजाना आवश्यक है। डीजे के बगैर आपकी ना बेटी की शादी हो पाएगी, आपकी बारात जो है ये घर से बाहर जा पाएगी, ना आपके घर में मुंडन किसी का, किसी बच्चे का हो पाएगा, ना उसके जन्म हो पाएगा, ना किसी प्रकार की कोई उत्सव मनाई जाएगी, ना बर्थडे वगैरह मनाई जाएगी, ना जुलूस निकल पाएंगे, ताजिया मन पाएगा, ना हम लोगों की होली हो पाएगी। तो इस तरीके से डीजे आज हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, जो कि हमारे लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। तो आज इस विषय पर मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा अवेयर किया जाए, सावधान किया जाए, क्योंकि जानते तो आप सब लोग होंगे डीजे हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन कितना हानिकारक है, किस रूप में हानिकारक है, ये आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं डीजे पर आता हूं। डीजे होता क्या है? डीजे का फुल फॉर्म डिस्क जॉकी होता है। पहले इसका डिस्क जॉकी जो है, डिस्क जॉकी का मतलब क्या होता है, ये डीजे जो आया उसका मतलब क्या है? तो डीजे एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति विशेष डीजे कहलाता है, मतलब डिस्क जॉकी होता है जिसका काम होता है एक समारोह में या 10-20 लोगों के लिए इंटरटेन करना, उसके मनपसंद डिस्क को बजाना, मतलब उसके मनपसंद गीतों को, धुनों को बजाना, उसके हिसाब से सेट करना, उसकी लाउड को ज्यादा या कम करना, कम की तो कोई बात ही नहीं आती है, ज्यादा करना, ये डिस्क जॉकी का काम होता है, जिसको हम शॉर्टली डीजे बोलते हैं, मतलब बजाने वाला। अब एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा, वो अल्लू अर्जुन की डीजे। तो डीजे में वो क्या करते हैं, वो बेचारे बजाते हैं, गुंडों की खूब बजाते हैं, तो वो भी बजाने का काम करते हैं, लेकिन वो गुंडों को बजाने का काम करते हैं और यहाँ पर ये इंटरटेन करता है, म्यूजिक बजाने का काम करता है, तो इसलिए ये डीजे और वो डीजे दोनों बजाने का काम किया, डिस्क जॉकी। दूसरा इसको हम लेते हैं तो डिजिटल जाज होता है। जाज मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जबरदस्त झनझन की आवाज आती है, डमडम की आवाज आती है, तो ये सब मिला के जाज का रूप दिया जाता है। तो ये डिजिटलाइज होता है, इसकी आवाज जो होती है बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाली होती है, इसलिए इसका नाम डिजिटल जाज भी रखा जा सकता है, रखा गया है भी। लेकिन इसका जो सबसे मुख्य, इसका फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो डिस्क जॉकी होता है। तो डिस्क जॉकी मैंने आपको समझा दिया, इसकी थोड़ी इतिहास में चले जाते हैं। तो 1935 में इसका सबसे पहले यूज किया गया था डिस्क जॉकी का, यानी डीजे का यूज किया गया था 1935 में, एक रेडियो कमेंटेटर जो थे उनके द्वारा। नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है, फिर कभी ध्यान आएगा, फिर कभी वीडियो बनेगी, इस प्रकार की बात होगी तो बता देंगे, या फिर लिंक में आपको हम दे देंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं। तो 1935 से ये कहानी शुरू होती है और 1972 में जाते जाते, 1972 यानी 35 से 72 तक की सफर तय होते होते ये 72 में प्रचलन में चली जाती है हमारे पश्चिमी देशों में। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पश्चिमी देशों में जो कुछ भी अख्तियार किया जाता है, जो कुछ भी लाया जाता है काम में, यूज में, कुछ दिनों बाद, पहले तो कुछ समय लगता था, जैसे 72 से हमारे यहाँ आते आते 2000 लग गया, 95 और 2000 के बीच में इसकी शुरुआत थोड़ी बहुत हम लोगों के मेट्रोपॉलिटन जो शहर है बार्स वगैरह में शुरू हुई थी,
तो 72 से 2000 इतना समय लग गया, लेकिन अब क्या है यहाँ वहां जो कुछ भी होता है बस सीधा इंटरनेट का जमाना है, हम लोग यहाँ सीधा पहुंच जाता है, आज हुआ वहां कल यहाँ पहुंच गया। तो ये एक छोटी सी कहानी इसकी रही है। अब हम आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर, इसके परिणाम पर कि होता क्या है, ये कैसे होता है। आपको पता होगा कि हमारा जो कान है वो एक लाउडेबल जो साउंड होती है उसी को सुन पाता है। वो लाउडेबल साउंड क्या, तो जिसकी डेसिबल, डेसिबल मतलब ध्वनि को मापने की एक इकाई, कितनी क्षमता कितनी तीव्रता की ध्वनि हम अपने कानों से सुन सकते हैं, इसको मापने के लिए से लंबाई को मापने के लिए मीटर की मीटर बनाया गया, मीटर एक इकाई है। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल एक इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कान जो है कितनी तीव्रता वाली कितनी क्षमता वाली ध्वनि को सुन पाता है आसानी से, जिससे उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, वो डेसिबल करता है उसके लिए काम। तो हमारा जो कान है वो मुख्य रूप से 70 डेसिबल तक के ध्वनि को आसानी से सुन सकता है और पचा सकता है, मतलब उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही 70 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं 80 तक अपने आप को यह एडजस्ट कर लेता है। 70 तक में यह अच्छा होता है, गौर से सुनिएगा आज की कहानी, आज का जो प्रसंग है बहुत ही बेहतर प्रसंग है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें समझें और शेयर करें लोगों के पास। इसलिए नहीं कि मेरा काम हो, इसलिए कि आपकी जानकारी दूसरों तक भी फैलनी चाहिए। तो हमारा कान मुख्य रूप से 70 डेसिबल तक सुनने के लिए एकदम आरामदायक अपने आप को पाता है और आरामदायक की स्थिति में रहता है, लेकिन जैसे ही 70 से 80 की तरफ बढ़ता है तो एडजस्ट करने की स्थिति में होता है। जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद कुछ और खाना थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत खाना खा कर ले तो फिर बाद में पचाना मुश्किल हो जाती है, फिर लोटा लेके घूमते रहिए चलते रहिए। तो वैसे ही हमारा कान 80 तक अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, 70 तक बहुत बढ़िया, 80 तक एडजस्ट करता है। 80 के बाद जो भी ध्वनि उसके कान मतलब कान तक पहुंचती है, उसके पास पहुंचती है, तो वहां पर वो अपने आप को असहज महसूस करना शुरू कर देता है, और वो जो असहज महसूस करता है वहां से परेशानी शुरू हो जाती है, और वो परेशानी केवल कान तक नहीं रहती है, ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कान का चदरा फट जाएगा, वो चदरा तो फटेगा ही फटेगा, उसके साथ बहुत सारी विकृतियां आपके शरीर में चली जाती है, जैसे बाल का झड़ना, जैसे आपका मोटापा होना, जैसे आपका नपुंसक हो जाना, जैसे आपके पास माइग्रेन हो जाना, बहुत सारी इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो आपके साथ हो जाती हैं जब आप ज्यादा डेसिबल की ध्वनि सुनते हैं। और हमारे यहाँ जो डीजे बजती हैं उन डीजे की जो साउंड्स होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, बहुत मैक्सिमम होती हैं, 150 से लेके 500 तक पहुंच जाती हैं उसकी साउंड। आप देखते होइएगा डम 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 करके गीत कुछ और बज रहा है, लेकिन उसमें जो जाज है, उसमें जो उसका ड्रम है वो जबरदस्त डम डम कर रहा है। इवन कि आप मेरी बातों पर विश्वास अगर आपको ना हो तो जहां डीजे बज रहा हो उसके ठीक बगल में चाहे थोड़ी दूर हटके आप टेबल पे एक ग्लास में पानी रख दें और आप उसको केवल वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ बात है कि नहीं सही। उसमें इतनी कंपन होगी, अगर वो पूरी भरी हुई ग्लास है तो निश्चित रूप से पानी उछल के नीचे गिरेगा, अगर आधी भरी हुई ग्लास है तो वो उसमें कंपन करेगा, ऊपर तक वो उछलना शुरू करेगा। ठीक उसी प्रकार से वहाँ बच्चे बैठे होते हैं जहाँ डीजे बजता होता है, समझ सकते हैं कि आपके बच्चों का जो सीना है, हार्ट है, वो कितना पल्पिटेट करता होगा, कितना वहां पे कंपन करता होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आप खुद वहां पर इस चीज को सुनते हैं, भोगते हैं, धरती को दलका देता है, जब धरती में कंपन शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन धरती में जब शुरू हो जाती है तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है। तो अब सवाल आता है कि 150 से लेके 500 तक के डेसिबल का वो साउंड डीजे बजाता है, वो कितनी देर तक हमारे बच्चे, कितने दिनों तक हमारे बच्चे उसको झेल पाएंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज अपनी तरफ से बता रहा हूं कि आज से जो आज डीजे बज रहा है, जो बच्चे डीजे के सामने नाच कर रहे हैं, अपने आप को इंजॉय में लगे हुए हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, किसी की दखलअंदाजी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी बात आज जो हमारे युवा मित्र हैं
जो बच्चे हमारे हैं उनको बुरी लगेगी, लेकिन ये 16 आने सत्य है और सच कड़वा होता ही है, तो उनको बुरा लगता है कि मुझको कोई क्यों यहाँ से हटाएगा, क्यों डीजे बंद करेगा। आज उनको बहुत मजा आता है, लेकिन 10 साल के बाद, अभी से 10 साल के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वो अपने बाप, अपने माता पिता, अपने परिजनों के ऊपर बोझ बन जाएंगे। हार्ट प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम और बच्चे पैदा करने की शक्ति की हीनता, ये सारी चीजें उनके साथ एक साथ होती चली जाएंगी। अब बताइए, इतनी सारी विकृतियां हमारे बच्चों में होने वाली है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अब छोटी सी एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूंगा। ट्रेन जब स्टेशन पर आप जाते हैं तो बगल से ट्रेन जो गुजरती है तो ट्रेन की इतनी ध्वनि होती है, इतनी साउंड वहां से गुजरने की होती है, उसके विसल की होती है कि सहसा हम लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। जब तक ट्रेन वहां से गुजर ना जाए तब तक कान पर से हम हाथ हटाते नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रेन जो वहां से गुजरती है उसकी जो विसल होती है उस विसल की मात्र डेसिबल होती है 118 डेसिबल का वह साउंड वहां से वो निकालता हुआ पास करता है, करती है वो ट्रेन। एक ट्रक आपके बगल से गुजरती है और पेपा पेपा करते हुए जो गुजरती है उसकी डेसिबल 104 डेसिबल होती है, उसकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो 104 डेसिबल पर आप कान को मूंद लेते हैं, कान पे हाथ रख लेते हैं और जहां 150 से 400, 300, 350, 500 तक डेसिबल की साउंड वहां बज रही होती है, वहां पे मजे में बच्चे डांस कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं ना कहीं तो परेशान करेगा। आप वहां पर खड़े हैं, आप अपने सीने पर हाथ रख के देखेंगे तो आपका सीना दरकता रहेगा, आपका सीना वाइब्रेट करता रहेगा। इस तरीके से डीजे की बात होती है। तो डीजे सब जगह बैन हो चुका है, फिर भी हम लोग इतने कुर्दिमाग लोग हैं, कहिए हम लोग इतने जिद्दी लोग हैं कि बिना डीजे के तो बच्चे की शादी नहीं होगी, बिना डीजे के तो बच्चों की मुंडन नहीं होगी, बिना डीजे के बच्चों का बर्थडे नहीं मनेगा, जुलूस नहीं निकल पाएंगे। तो ये सब सारी चीजें हमारे आने वाले जनरेशन के लिए घातक है। कृपया करके इस घातक चीज को बंद करें और इसकी जो परिणाम है उसको समझें, ये बहुत जरूरी है आज के परिवेश के लिए। ये मेरा एज ए टीचर काम बनता है कि सही सही जानकारी, सही सही चीजें आप लोगों के सामने मैं परोसूं, ताकि आप और आपके बच्चे और आने वाले जनरेशन ये सब स्वस्थ हों, ताकि हमारा, जैसे ही हम स्वस्थ होंगे तो हमारा भारत स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ नहीं हुए तो भारत स्वस्थ नहीं हुआ, समाज स्वस्थ नहीं हुआ। इसलिए जरूरी है इन सब चीजों पर पूरी तरीके से हम अपने हिसाब से बैन लगाएं। सरकार की तरफ नजर देने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पर नजर दे सकते हैं। जो गलत है वो गलत है, अगर डीजे नहीं बजेगा तो किसी की नौकरी या किसी के पेट पर लात नहीं मर जाएगी। बहुत सारा है उपाय काम करके जीने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको करते हुए हम रोजगार पा सकते हैं, रुपया कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी की हत्या करके ही, किसी का जान मार कर ही हम रुपया कमाएं तो रुपया कमाएं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था।